सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जो कि वरिष्ठ उद्यमी भी हैं, साथ ही साथ कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमशक्ल भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जगदीश राय भाटिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आपको देखकर मेरे मन में एक प्रश्न यही उठ रहा है सर कि जब जब आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है, कैसे लोग आपसे सेल्फी के लिए बात करते हैं? पब्लिक प्लेस में तो जैसे जाते हैं तो लोगों का जो उत्सुकता, लोगों की एक्साइटमेंट बहुत होती है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग यकीन ही नहीं कर पाते, और सच वो समझते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री हमारे बीच आ गए हैं, तो अपनी समस्याएं लेकर के भी आ जाते हैं। तो पब्लिक प्लेस में तो ऐसे ही है कि चुपचाप अगर निकल गए तो निकल गए, अगर किसी ने शुरुआत कर दी ऐसी तो फिर कई बार भीड़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट सेल्फी के लिए कब आपको पहचानने लगे थे लोग, कब ये उनको लगने लगा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ था कि लगभग मोदी जी के लाइमलाइट में आने से लगभग एक साल पहले मैंने डाई करना छोड़ा था जी। तो फर्स्ट टाइम मैं मसूरी में था, तो पहाड़ों में जब घूम रहे थे तो अचानक जैसे ही मैं गाड़ी से निकला तो कुछ नौजवान दिल्ली से गए हुए थे, बाइकर्स का एक गैंग था, रॉयल बाइकर्स का, तो उन्होंने मुझे घेर लिया कि आप बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसे लिखते हो। तो पहली बार यही एक्सपीरियंस था मेरे साथ। और जो लुक अलाइक का सबसे पहला रिमार्क था, जैसे ही डाई करना छोड़ा पहले दिन मेरे बैंक मैनेजर ने मुझे कहा कि आप मोदी जैसे लगते हो जी। तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा शायद मजाक कर रहे होंगे। और सेम डे मैं दिल्ली सेक्रेटेरिएट गया कि एक मंत्री जी के साथ कुछ काम था, तो उनके एक पर्सनल स्टाफ ने कहा मोदी जी जैसे लगते हो। तो फिर एक ही दिन में दो जनों ने कहा, तो फिर मुझे लगा कि शायद इसमें सचमुच कुछ सच्चाई है जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं बिल्कुल पीएम जैसे दिखते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जैसे दिखते हैं, तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान? देखो, नुकसान वाला तो ऐसा अभी तक मुझे कोई लगा नहीं है किसी की तरह का। और फायदा में लोग तो जरूर पूछते हैं कि आपने क्या फायदा उठाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रभु का करिश्मा है, एक जैसा बना दिया तो इसका फ़ायदा क्या उठाना। जो जो मुझे महसूस होता है इनसे, इस रूप के आने के कारण, तो लोगों में रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, लोगों से रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, प्यार बहुत मिलता है। कोई इस तरह का कोई फ़ायदा उठाने के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा कभी। लोग पूछते ज़रूर हैं कि आपने क्या फ़ायदा उठाया, मेरे ऐसी कोई टेंशन नहीं है जी। बिल्कुल। और साथ ही साथ आप पॉलिटिकल पार्टीज से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारी रैली में भी आपको देखा जाता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपका फ़ायदा उठा रही हैं आपके लुक्स का? हाँ, फ़ायदा उठाते हैं, तो मैंने ऐसा कोई महसूस नहीं किया कि कोई गलत कर रहे हैं, कोई मेरे हम शक्ल होने के कारण उनको कोई लाभ मिलता है। तो मैं जहाँ जहाँ भी रोड शो में भी लेके गए, काफ़ी कैंडिडेट पद यात्रा में भी लेके गए, मैं यूपी में भी गया चुनाव प्रचार में, दिल्ली में भी काफ़ी मैंने प्रचार किया, लेकिन मैंने ना तो मेरा पॉलिटिकल डायरेक्ट का ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और ना ही मैंने कोई अपने लिए कोई ऐसा कोई लाभ का सोचा जी। जैसे कि आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, तो ऐसे कोई एक संस्था के बारे में जानना चाहूँगी जिससे आपको जुड़कर बहुत अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा जो मेरा लगाव है बचपन से ही है वो निरंकारी मिशन से है, मैं उनका धर्म प्रचारक भी हूँ। और जिस तरीके से यह संस्था अग्रणी होकर के समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, सबसे बड़ी सोच के जो एक सोच में परिवर्तन होता है जी। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, और संस्थाएं भी लगाती हैं, हमारी संस्था भी लगाती है, शायद लगभग हम इंडिया में नंबर वन अभी तक, हम जब से हमने ये कैंप शुरू किए हैं लगभग 9 लाख यूनिट हम ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और हमारे जब भी कैंप लगते हैं एवरी टाइम डोनर्स को ही सरेंडर, वो डॉक्टर्स को ही सरेंडर करना पड़ता है कि हमारे पास और ब्लड लेने का अरेंजमेंट नहीं है, डोनर्स की लाइन कभी ख़त्म नहीं हुई, ऐसी इस संस्था की देन है, ऐसे इस संस्था की सिखलाई है कि समाज के लिए हमने काम करना है, मानव कल्याण के लिए काम करना है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, ट्री प्लांटेशन हो, या स्वच्छ भारत में। कभी अभी हमने हमारे निरंकारी बाबा जी का जन्मदिन था फरवरी में लास्ट वीक, तो पूरे इंडिया में हमने लगभग 600 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल की स्वेच्छा से सफाई की है, और जिसमें हमारे लगभग 3 लाख वॉलंटियर्स आए हैं जी। और सारी सारी संस्थाएं ये अप्रिशिएट करती हैं कि इनका जो
काम है, बहुत डेडिकेशन वाला होता है। बिल्कुल सर, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और देश के लिए, इतना सब कुछ आप सोच रहे हैं। सर यहाँ पर जानना चाहूँगी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप एकदम पीएम जैसे दिखते हैं, हमारे मोदी जैसे दिखते हैं, तो क्या आपने कभी मोदी जी से बात की या फिर मिलने का कोई मौका आपको मिला? मैंने कभी कोशिश नहीं की, सिर्फ जब मुझे ये पता चला कि परेश रावल जी को मोदी जी ने परमिशन दिया उनकी लाइफ पर बायोपिक बनाने के लिए, तो वो मुझे अच्छा लगा कि अगर मेरे हम शक्ल होने के कारण शायद मुझे ये मौका मिले जी। तो मैं परेश रावल जी से मिला था, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप मोदी जी से ज़रूर मिलो, मोदी जी मिल के आपको बहुत खुश होंगे, और मुझे देख करके बहुत बहुत एक्साइटेड भी थे जी। उसी दिन फिर मैंने मोदी जी के पोर्टल पर वो मेल कर दिया था, जो परेश रावल जी से बात हुई, जो आज तक मीडिया कवरेज हुई, सारा उनको भेजा था समय मांगने के लिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। और वैसे मैंने गंभीरता से कोशिश भी दोबारा नहीं की, तो मुझे लगता है कि जितना वो देश के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए 5-10 मिनट निकालना उनका मैं समय बर्बाद ही करूँगा, इसलिए मैंने प्रयास नहीं किया दोबारा जी। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं आप एकदम लुक अलाइक पीएम हैं, तो क्या लोग आपको डायलॉग के लिए बोलते होंगे कि आप एकदम लुक लगे देखते हैं, और आपको बोलते होंगे कि आप एक डायलॉग बोल के दिखाइए नरेंद्र मोदी जी जैसे? हाँ, ऐसा करते हैं। तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे कोई एक डायलॉग जो कि नरेंद्र मोदी ने, वो मैंने कभी कोशिश नहीं की, ना उनकी मिमिक्री करने की कोशिश की। अच्छा। और पब्लिक पैसा कहती है, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मेरा जो ये इंटरेस्ट मेरा ज़रूर है, जब से मेरी एक डॉक्यूमेंट्री भी किसी ने बनाई है मेरे पर, दो प्रोड्यूसर मेरा ऑडिशन भी ले चुके हैं, और परेश रावल जी से भी दोबारा मिलने का मेरा प्रयास है, शायद आजकल में मुलाकात होगी जी। बिल्कुल, हम इंतज़ार करेंगे और आप बिल्कुल मोदी जी से मिल सकें, और इसकी भी हम कामना करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी सारी हमारे साथ आपने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, देखा आपने, आज हमने एक ऐसी हस्ती से बात की जो कि बिल्कुल हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की तरह दिखते हैं, और साथ ही साथ समाज में